खबर अलवर से, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय की मिडिल स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कामनत कर किया गया। इसके चलते अब पंचायत मुख्यालय के बालक बालिकाएं पढ़कर अपने सपने साकार कर सकेंगे। इससे पहले इस क्षेत्र के बालिकाएं सीनियर स्कूल नहीं होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थीं, जिसका समाचार प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया। उसके तुरंत बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भवन जितेंद्र सिंह ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, ग्राम पंचायत मुख्यालय की स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में कामोन्नत करवाया जाए। इस पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की नवसर्जित ग्राम पंचायत नंदनहेड़ी ठेकड़ा झारखेड़ा बंदीपुरा स्कूल को राजस्थान सरकार ने मिडिल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कामनत करने के आदेश जारी किए हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में खुशी की लहर है। उस गांव के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, अन्य गणमान्य जनों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई तथा कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री भवन जितेंद्र सिंह को लोगों ने मोबाइल से वितंतु संदेश देकर खुशी जाहिर की। ग्राम पंचायत मुख्यालय ठेकड़ा पर पंचायत समिति सदस्य सत्तार खान, सरपंच तारा हाजी लाल खान सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। सरपंच प्रतिनिधि पुराण पूर्व डेयरी चेयरमैन रामफल गुज्जर, जहरखेड़ा स्कूल पर शेर मोहम्मद, रजाक खान, सपात खान, उस्मान खान तथा बंडीपुरा के सरपंच बंधुराम, आसू खान, रहमत खान, छोटे खान में खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। सभी ने एक स्वर में कहा, बालिका अब अपने पढ़ने के सपने साकार कर पाएंगे। पहले 8वीं तक पढ़कर अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी। इसके लिए मंत्री टीकाराम जूली और भवन जितेंद्र सिंह ने मांग की थी, वह पूरी हो गई और यह मांग पूर्ण रूप से मीडिया में गांव की समस्या को देखकर प्रकाशित किया गया, जिसके चलते इन नेताओं को समस्या का हल कराने का प्रयास किया गया। इसके लिए मंत्री और मीडिया का आभार इन सभी लोगों ने जताया है। मंत्री महोदय जो हमारे जो आसपास के गांव जैसे उलाहड़ी है, कढ़ुकी है, ये सभी गांव जो हमारे ग्राम पंचायत के हैं, यहाँ की जो आबादी है, बच्चियाँ जो शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, जागरूकता फैलेगी। और मंत्री महोदय जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये हमने मंत्री महोदय जी से मतलब रोड की मांग की थी विजय मंदिर से लेकर छठी मिल की ओर, तो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने वो भी हमारा ऐसी जो मांग थी वो स्वीकार की है और उनको काम को मंजूर कर दिया गया है। तो उसके बाद काम चालू हो जाएगा। ऐसे मंत्री महोदय ने हमारा आश्वासन दिया है।